गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 8। आज हम मैथ में लेसन नंबर 12 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 12 क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 12A। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जो क्लोज फिगर चार लाइन से बना होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये देखिए ए बी सी डी क्या है हमारा? एक क्वाड्रिलेटर। पॉइंट ए बी सी डी इसके वर्टाइज हैं। लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ये साइड हैं इसकी। एंगल डी ए बी, एंगल बी ए बी सी, एंगल बी सी डी एंड सी डी ए, ये आपके क्या हैं? इसके एंगल्स हैं। ए बी ए सी और बी डी ये इसके डायगनल्स हैं। फिर आती है प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। यानी कि इसके जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितने के बराबर होना चाहिए? 360 डिग्री के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू अ क्वाड्रिलेटरल। नंबर ऑफ साइड कितनी होती है क्वाड्रिलेटरल में? 4। नंबर ऑफ एंगल्स 4। पेयर ऑफ अपोजिट साइड 2। नंबर ऑफ डायगनल्स 2। द सम ऑफ एंगल्स कितना हुआ? 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 वर्टाइज। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू अपोजिट वर्टाइज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डायगनल्स। जब हम दो अपोजिट वर्टाइज को जोड़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? डायगनल्स बोलते हैं उस लाइन को। फिर आता है आपका, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सम कितना होता है उसके एंगल्स का? 360 डिग्री। ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज टाइप ऑफ एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको डायग्राम दे रखे हैं, इसमें एक एंगल में से उसको आपको बताना है। तो हमने क्या पढ़ा है? इसमें देखिए एक 90 का, ए 90 का दे रखा है, बी 100 का, सी 80 का और डी आपका एक्स है। तो हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 प्लस 100 प्लस 80 प्लस एक्स बराबर 360, तो ये 270 के बराबर हो गया। 270 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तो एक्स में से हम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस 270 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से मैंने इसके ये वाले दो सम कर रखे हैं, ये आप देखिएगा। इसमें आपको एक एंगल 85 का दे रखा है, एक आपको 105 का दे रखा है, एक 70 का दे रखा है। मिसिंग एंगल y है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। जो हमने ऊपर निकाली उसी तरीके से निकालेंगे। इसमें हमें z की निकालनी है, एक हमें एंगल दे रखा है 130 डिग्री, 120 डिग्री और 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, द थ्री एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री, 90 डिग्री एंड 100 डिग्री। फाइंड द फोर्थ एंगल। आपको तीन एंगल दे रखे हैं, एक आपको फोर्थ एंगल पता करना है। तो लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। मान लिया आपने फोर्थ एंगल क्या है? एक्स है। तो 80 डिग्री ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 270 के बराबर हो गया आपका। 270 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 270, तो आपका आ गया 90। तो फोर्थ एंगल आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 70 डिग्री और 110 डिग्री। इफ आउट ऑफ टू रिमेनिंग एंगल्स वन एंगल इज 220 मोर देन द अदर एंगल, फाइंड द टू एंगल्स। दो एंगल आपको, एक 70 डिग्री का दे रखा है और एक आपको दे रखा है 110 डिग्री का, एक क्वाड्रिलेटरल का। और जो दो बच्चे हुए एंगल हैं उनमें से एक एंगल दूसरे एंगल से 20 ज़्यादा है, मोर देन 20 है। तो लेट द वन एंगल क्वाड्रिलेटरल बी एक्स एंड अदर विल बी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 20।
तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। फिर आप इसमें एक एंगल आपको 70 डिग्री दे रखा, एक आपको 110 दे रखा, एक आपने x माना और एक दूसरा आपने x प्लस 20 है आपका। तो हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा सॉल्व करके 80 डिग्री, और x प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 100। तो आपके जो आंसर आएगा वो 80 डिग्री और 100 डिग्री आएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 2:3:5:8, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं उनका रेशो आपको दे रखा है 2:3:5:8, तो आपको बताना है कि वो एंगल कितने कितने डिग्री के हैं। तो लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी 2x, 3x, 5x एंड 8x। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये मिलके आपका 18x हो गया। 18 से जब हम 360 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। हमारे एंगल्स क्या आएंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 × 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री, 3 × 3x बराबर हो जाएगा 3 × 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 5 × 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री, 8x इज इक्वल टू 8 × 20 इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो हमारे फोर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, 40 डिग्री का हो जाएगा, एक 60 डिग्री का हो जाएगा, एक 100 डिग्री का हो जाएगा, एक हो जाएगा 160 डिग्री का। इसका मैंने ये वाला आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, ये आपको करना है, और ये आपका लेसन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।